69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ विषय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के आदेश को 3 माह तक सुरक्षित रखे जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र न सौंपे जाने पर शेष अभ्यर्थियों ने मुरादाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को नियुक्ति पत्र दिए जाने के संबंध में ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा सरकार को यह अवगत कराया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कट ऑफ 60-65% निर्धारित किया गया था, जिस पर दिनांक 24 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया गया। परंतु वर्तमान समय में फैसला सुरक्षित किए हुए 3 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला नहीं सुनाया गया, जिससे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए लगभग 4,10,000 अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 1 जून 2020 को 69,000 पदों के समय 67,867 चयनित अभ्यर्थियों के चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें सभी अभ्यर्थी चयनित हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षित फैसला न सुनाए जाने के कारण पिछले 3 माह से शिक्षक बनने हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द दिवाली से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं, ताकि उनकी दिवाली रोशन हो सके। मेरा नाम रजनी है और मैं 67,000 जो वैकेंसी है उसमें चयनित अभ्यर्थी हूँ। देखिए, सन 2018 में ये वैकेंसी आई थी और बहुत जल्दी इसका पेपर भी हो गया था 2019 में। अभी तक 2 साल होने को हैं, अभी तक हमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। पहले तो हम रिजल्ट के लिए सब कुछ झेल रहे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे कब रिजल्ट आए। अब जब रिजल्ट आ गया तो लिस्ट जारी की गई जिसमें हमारा चयन भी है, उसके बाद भी अभी तक हम नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं। अभी 3 महीने हो चुके हैं, कोई भी ऑर्डर सरकार 3 महीने तक रिजर्व रख सकती है। अब जब 3 महीने पूरे हो गए हैं 24 अक्टूबर को, उसके बाद भी उन्होंने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया है, तो हमारी माननीय सीएम साहब से और सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वो ऑर्डर आ जाए, उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए और हमारी जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए दीपावली से पहले, क्योंकि इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। हमने अपना टाइम से पेपर दिया, तैयारी के लिए मात्र उन्होंने 30 दिन दिए थे, 30 दिन में हमने 24 सब्जेक्ट कंप्लीट किए। उसके लिए तो आपको इतनी जल्दी थी कि 28 दिन में या 30 दिन में आपने 14 सब्जेक्ट दिए, हमने उनको भी कवर कर लिया। लेकिन अब वैकेंसी मतलब भर्ती पूरे होने में आप 2 साल लगा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है। मेरी बस यही गुजारिश है सबसे, सरकार से भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी, कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर रिजर्व हो, डिलीवर हो और हमारी शिक्षक भर्ती पूरी हो जाए। मतलब दिवाली वाला जो मैसेज था, क्या है कि दिवाली नहीं मनाएंगे इस बार? अगर जी दिवाली तभी मनाएंगे पहले नियुक्ति पाएंगे। सर, सरकार ने शिक्षक भर्ती निकाली थी 69,000 शिक्षक, उसका आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन 3 माह पूर्ण होने के बाद भी उस ऑर्डर को डिलीवर नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि 3 माह पूरी होने के बाद सरकार एक एप्लीकेशन फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि ऑर्डर जल्द से जल्द आए और ये भर्ती प्रक्रिया जो द्वितीय चरण की है वो पूर्ण हो सके। इस संबंध में किसके पास आए, कौन से अधिकारी? हम ये DM साहब को अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिससे कि हमारी बात माननीय श्री मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और बेसिक शिक्षा मंत्री तक पहुँचे।